हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम, मैथ्स क्लास के साथ। तो बच्चों, आपको पता है मैं सबसे पहले आते आते आपसे क्या पूछती हूं? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूं कि बच्चों, आज आप लोग कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, आपकी तबीयत तो नहीं खराब है? आपको हमेशा बताना ज़रूरी है। मैं हमेशा यही सबसे पहले पूछूंगी, हमेशा नए क्लास में नए वीडियो के साथ, कि आप कैसे हो। मुझे जानना है कि आप कैसे हो, मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, कि आप हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, मैं कभी नहीं चाहती कि आपकी तबीयत खराब हो। ठीक है, तो हमेशा अच्छा रहना है बच्चा। ठीक है, और अच्छा रह करके हम लोगों को अच्छी तरह से फ्रेश माइंड में पढ़ाई करनी है। करेंगे ना मेरे साथ? ओके बच्चा, वेरी गुड। तो सबसे पहले अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन कीजिए। मैंने अपनी कॉपी ओपन कर ली है। आज की डेट लगाई है कॉर्नर में, CW 1/14, 1/12, 2020। ठीक है बच्चों, ये क्या है? 9191 to 9999। आपने 90 की स्पेलिंग देखी है। मैंने बताया था जब भी इसके साथ कोई हो, यहाँ पर जीरो था, और जब भी पहले हो तो 9 से क्या बन जाता है? ये 90 यानी TY लग जाता है। 90 जब ये हो गया तो ये क्या है? 1। ये क्या है? 1। जब ये 90 है, इसके साथ क्या है? 1। अब ये देखो, ये क्या हो गया सेकंड में? यहाँ पे तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, जुड़वा की तरह सेम है, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे क्या है? ये इसको मैंने क्या बोला था? 9 से 90। 8 है तो 80, 7 है तो 70, 6 है तो 60, 5 है तो 50। यानी कि इस साइड अगर आती है जीरो के बाद, यहाँ पर होती हैं, तो सब में TY लग जाती है। ठीक है, और उसके बाद वाली जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी नंबर है, वो 1, 2, 3, 4 एज इट इज, जैसे 1 से 10 तक आप लिखते हो, 9 तक उसके स्पेलिंग आपको वैसे ही लिखनी है। तो ये क्या है? 91 to 99 आपके वर्ड्स हैं, शब्दों में लिखना, उनके नंबर्स नेम लिखना है। राइट इन वर्ड्स, या फिर नंबर्स नेम कह सकते हो, स्पेलिंग ऑफ दिस नंबर ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसको लिखने के तरीके होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है राइट इन वर्ड्स, यानी कि शब्दों में लिखना है। कौन से शब्द? नेचर से बात है, आपको इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, ये क्या है आपके? 9191। अब इस 90 की स्पेलिंग आप पढ़ चुके हो, यहाँ देखो NINETY, 90 साइड में क्या लिखी हुई है? 1। तो क्या हो गया? ONE, क्या हो गया? 91। मेरे साथ साथ पढ़ो, 9191। ठीक है, 92 को बोला जाता है 92। मैंने बोला है यहाँ से जितने भी हैं सेकेंड नंबर पे, सबको 90 बोलते हैं। बगल वाले नंबर आपके चेंज होते हैं। 90 की स्पेलिंग क्या है आपकी? NINETY, 90। अब ये क्या है बगल वाली? 2, TWO, 2। मैंने कैसे लिखा है देख सकते हो आप, कर्सिव लेटर मैंने लिखा है। फर्स्ट लेटर 90 की कंप्लीट हो गई है। ये है आपके कैपिटल से शुरू है, और बाकी सारे स्मॉल हैं कर्सिव लेटर में। ये भी कैपिटल से मैंने शुरू किया, बाकी स्मॉल है यहाँ, क्योंकि दो नंबर है, इसीलिए मैंने दोनों का फर्स्ट फर्स्ट लेटर को मैंने कर्सिव कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, बाकी सारे नंबरों को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, कर्सिव लेटर में ही। तो बच्चों, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, कई बार इंग्लिश की कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, कर्सिव लेटर आपके बहुत सुंदर बन जाएंगे। ठीक है, करेंगे ना मेरे साथ साथ? वेरी गुड। तो 9292। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं, 9393। क्या है ये? NINETY, यानी कि 90। ठीक है, THREE, ये वाली थ्री की स्पेलिंग है, 93। मिल गया 93। ठीक है बच्चों, ये क्या है? 9494, NINETY, 90। ये क्या है? 4, FOUR, 4, यानी कि R से पहले ये वॉवेल है, इसलिए मैंने उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, थोड़ी सी R क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, यानी छुप जाता है। 94। ठीक है, ऐसे बोलो कि आपको R सुनाई दे, लेकिन 94। ठीक है, 94। ये क्या है? 9595, NINETY, 90। ये क्या है? 5, FIVE, 5, 95, 95, 95। ठीक है बच्चों, ये क्या है? 9696, स्पेलिंग क्या है? NINETY, 90, 9696, ये क्या है? 6 है, SIX, 6, 96।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखें हम लोग 9797, NINETY 90, ये क्या है SEVEN 7, 97, ठीक है बच्चों। ये क्या है 9898, NINETY 90, EIGHT 8, 9898, दिख रहा है। अब ये क्या है लास्ट में 99, ये है पहला लेटर 90 और दूसरा वाला आपके डिजिट क्या है 9, तो NINETY 90, आपको 90 नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब 99 देखते हैं, तो यहाँ भी 90 लिखते हैं यहाँ भी 90 लिखते हैं, नहीं, या फिर 99 लिख देते हैं, तो दोनों ही मिस्टेक हैं। ठीक है, आपके जो इस साइड के हैं यानी कि लेफ्ट साइड में जो है ये इसको बोलते हैं सेकेंड नंबर पे है ना, तो 90, और जो यहाँ पे जीरो के बाद जो भी नंबर आते हैं वो उसको कंटिन्यू जो आप 1 2 3 4 9 बोलते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, नंबर का यूज होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या हो गया 90, 90 के स्पेलिंग में क्या लगी है NINETY 90, अब ये क्या हो गया NINE 9, ये सिंपल है। ठीक है, जो आप नंबर बोलते हो सिंगल 9, 99 यानी कि डबल, ठीक है 99, ये रहा 99। ठीक है बच्चों, तो मैंने कैसे आज पढ़ा है इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है 10 या 20 टाइम्स मिनिमम, 91 to 99। तो इस तरह से आपको कर्सिव लेटर में सुंदर सुंदर लिखना है, 1-1 बॉक्स आपको लीव करनी है। ठीक है, अगर आप ऊपर से लिखोगे एकदम जस्ट बिलो द रेड लाइन तो आपके बहुत अच्छे से बॉटम तक अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो 99 की स्पेलिंग इस तरह से लिखनी है। और बच्चों आपको पता है कि इसके होमवर्क भी यही है। ठीक है, क्या है होमवर्क 91 to 99, ये है आपके होमवर्क। ये देखो मैंने डेट लगाया 1 for 14 का, 1 to 12 2020, HW है 9191 to 100, राइट इन वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से होमवर्क का हेडिंग लिखना जरूरी है और बाकी इसके नीचे में अच्छी तरह से आपको होमवर्क बनानी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग को आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे 100, क्या पढ़ेंगे 100, तो पढ़ेंगे ना मेरे साथ सर, ओके वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वापस आप अपनी किस नाम के साथ मिलेंगे, यस डोंट फॉरगेट, ओके माय नेम इज नैन्सी, तो आप अपने वापस अपने नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे मैथ्स क्लास में। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।